आप गाना भी गाते हो तो मेरे जिला को बदनाम करने पे लगे हुए हो सबके सब। हाँ, कोई गा देता है कि छपरा साई लवंडा, छपरा के लवंडा के बारे में जानते हैं भिखारी ठाकुर? कोई जानता है? मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, तकलीफ होती है। छपरा के लवंडा, छपरा सारण जो है वो तीन जिला को, दो जिला उसके कब्जे में रहता है, दो जिला का प्यार उसको मिलता है। मैं हर जिला मेरे लिए सक्रिय है, चाहे वो छपरा हो, सिवान हो, गोपाल हो, मोतिहारी, बेतिया, रक्सौल, मुजफ्फरपुर से लेकर आरा, बक्सर, बलिया, सासाराम, डिहरी, रोहतास से लेकर, मुझे लगता है कि यूपी से, लखनऊ से लेकर, बनारस से लेकर, औरंगाबाद से लेकर, मतलब दुनिया की, हमारे भोजपुरी समाज को जो लोग प्यार करते हैं, सारे जिला मेरे अपने माँ है, अपनी बाप हैं, अपनी बहनें हैं हमारी। छपरा सिवान गोपालगंज की छबीली लोग रहती हैं, वहाँ भी ब्राह्मण कुल के लोग रहते हैं। मैं विवाद नहीं कर रहा हूँ, पर तकलीफ होता है, ये तकलीफ है। आप किसी को नीचा गिराना चाहते हो। छपरा में सिर्फ एक खेसारी लाली पैदा हुआ है, छपरा सिवान गोपालगंज का एक खेसारी लाली है, वहाँ और इंसान नहीं रहते रहते हैं, आप लोग को पता होना चाहिए। मैं कभी फ्लैट में नहीं रहा, उसका रीज़न जानते हैं क्या है? देखिए, क्योंकि मैं ज़मीन का आदमी हूँ, ज़मीन पर बड़ा खूबसूरत रुकता हूँ मैं भी, और आज तक मैंने ज़मीन नहीं छोड़ी, इसीलिए मैं कभी फ्लैट में नहीं रहा। ज़मीन का इंसान हूँ, ज़मीन पर रहता हूँ, और ज़मीन के लोगों से मोहब्बत होती है मुझे, इसीलिए आज युवा दिवस है, इसीलिए मैं लाइव आया कि युवाओं के बदौलत ही आज मैं लिट्टी चोखा बेचकर एक गरीब का बेटा आज यहाँ तक पहुँचा है। तो अपने युवाओं के दम पे, अपने माँ बाप के आशीर्वाद और अपने बहनों के प्यार से पहुँचा है यहाँ पे। और ये सारी पूरी इंडस्ट्री के कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कि खेसारी को लगता है कि कहाँ से उखाड़ के फेंक दें। मुझे पता है कि आपके उखड़ने से तो मेरा बाल तक नहीं उखड़ सकता, क्योंकि आपने अपने लिए तो कुछ उखाड़ा नहीं आज तक। आप इतने दिन से सबके सब मेहनत कर रहे हो खेसारी को उखाड़ने के लिए, उतना मेहनत अगर खुद पे किए होते तो शायद कुछ बन गए होते आप लोग। तो मैं कुछ लोगों की ही बातें कर रहा हूँ, मैं पूरी इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ जो कि मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। मुझे संविधान मत सिखाइए आप, संविधान में क्या होता है आप खुद के लिए संविधान बनाइए। हमारे लिए हमारा संविधान जो है वो हमारी जनता है, हमारे लोग हैं, हमारे अपने हैं, और हमारे अपनों में पूरी भोजपुरी समाज आती है। हमारे सिर्फ माँ बाप ही नहीं, हमारे बच्चे ही नहीं, हमारी बीवी ही नहीं, पूरी समाज आती है जो भोजपुरी को समझती है।